सामने दिख रहा है, ये यहाँ पे अभी ये धान में यहाँ पे यूज नहीं किया है, ठीक है। तो ये बीच में आप देख सकते हैं कि ये झाड़ मतलब ये पौधा जो है ये गिर रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पौधा गिर रहा है। अभी जो पौधा दिख रहा है आपको ये, इसमें देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए एकदम लचीलापन है इसमें, ये देखिए ऐसा, ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पे आपका किटगुरु डालवा हो, ये देखिए, ये देखिए अभी यहाँ पे आपको पौधा जो है ये गिरा हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा आपको कि गिर गया है करके, ठीक है। ये फर्क है, लचीलापन देखिए आपका, ये देखिए, ये ऐसा, इसमें लचीलापन बिल्कुल नहीं है, इसमें ऐसी ताकत दिख रही है, स्ट्रेंथ दिख रही है। अभी हम ये नरेश जी भीसेन करके है फार्मर, लेंडेझरी करके ये गांव है, यहाँ पे आए हैं। पिछले हम 28 जुलाई को यहाँ पे आए थे, 28 जुलाई 2022 को। अभी हम आज फिर से आए हैं, आज की डेट है 18 तारीख है, 18/9/2022, ठीक है। अब ये जो हमने पौधे उखाड़े हैं, ये है इसके क्या बोलते हैं धान के, जो चिन्नौर वैरायटी करके है, ठीक है। ये भी चिन्नौर वैरायटी है, इसमें जो है फार्मर ने कुछ नहीं डाला है, इसमें दो बार सीड ग्रो डाला है, ठीक है। तो अब आप खुद देखिए कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क आ रहा है इसमें, देखिए। अब ये जो है इसमें दो अपन ने ये डाला है, दो बार सीड ग्रो हो चुका है इसमें, तो दो बार इसमें डालेंगे, अभी दो बार और सीड ग्रो इसमें डालेंगे, और इसमें सीड ग्रो डाला हुआ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे किसान को ये पूछेंगे कि दोनों के इसमें आपको फ़र्क क्या दिख रहा है, ठीक है। तो बताइए, ये भी एक किसानी है भाई, और ये नरेश जी भीसेन के यहाँ के, ये खुद दीवान जी है, ये देख रेख करते हैं। तो पिछले बार भी आए थे तो ये थे हमारे साथ में वीडियो में, अभी ये आपको बताएंगे। और फिर उनके साथ में और एक, पिछले बार में जो राजा भैया करके हमारे साथ में थे, उनके पिताजी है ये, ठीक है। तो अभी अपने को ये दोनों मिल के बताएंगे कि इनको सीड ग्रो में क्या फ़र्क दिखा है, बताइए। इसमें इसके जो पौधे में है कड़कपना है, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई अच्छी है इसकी, अच्छा, और जड़ी भी मोटी, और जड़ी भी मोटी है इसकी, और इसमें अपने नहीं डाले हैं कुछ भी इसमें, जिसमें इसकी जड़ों में बहुत अंतर है, इसकी जड़ें एकदम बारीक है और पौधा लचीला, पौधा लचीला है। और क्या दिख रहा है आपको? सीड गुरु वाले में एक तो माऊ का टेक नहीं है, अच्छा, और ये रासायनिक वाले में माहू का अटैक लग रहा है। अच्छा, तो उसके लिए हमारा जो आपका माहू का अटैक है, तो इसके लिए हमने वहाँ पे नॉकआउट करके डाला है। नॉकआउट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बिवेरिया बेसियाना, मेटरिजियम और वर्टिसियम लेकानी, ये तीन जो है जैविक पद्धति की औषधि है, ये हमारे सब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। तो वो भी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो आपका तना छेदक हो गया, भूरा माहू हो गया, ठीक है, गाद माशी हो गया, ये हो गया, गाद मक्खी वगैरह, ये सब कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे अभी उसका एक बार एप्लीकेशन हुआ है, इसलिए आपको उसका भी रिजल्ट दिख रहा है। और आपने यहाँ पे जैसा ये प्लॉट है बाजू में जो दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला प्लॉट है वो, ये यहाँ पे उन्होंने अभी खुद के हिसाब से कर रहे हैं वो। तो आपको क्या लग रहा है, वहाँ पे माहू का अटैक है? माहू का अटैक है, और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक नॉकआउट करके प्रोडक्ट है, ये उसके रिजल्ट है, नॉकआउट जो करके आपको बताया मैंने, उसके रिजल्ट है। तो यहाँ पे अभी कीट का भी प्रकोप नहीं है यहाँ पे, और ब्लास्ट के भी इसमें आपको क्या दिख रहा है? हाँ, ब्लास्ट इसमें तो दिख रहा है, जिसमें थोड़ा रासायनिक का उपयोग किए थे, ब्लास्ट भी काम। हाँ, ब्लास्ट यानी वो डिसनेल सॉइल है हमारा। हाँ, ब्लास्ट के लिए हम लोग डिसनेल सॉइल करके, डिसनेल सॉइल और एक हमारा एक प्रोडक्ट है जो ब्लास्ट वगैरह कंट्रोल करता है, जिसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, सुडोमोनस फ्लोरोसेंस और बैसिलस सबटिलिस, ये चार है, ठीक है। तो ये डिसनेल सॉइल का असर आपको दिख रहा है, जिसमें आपको ब्लास्ट भी कम दिख रहा है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं आप इसके, ये देखिए, ठीक है, ये सीड ग्रो का कमाल है, ये जो दिख रहा है आपको, आप एक एक ये देखिए, अपन गिनेंगे भी, ठीक है, ये एक, हाँ, दो, तीन, ये तीन, तीन, ये चार, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस,
बारह बारह है। इसमें देखिए आप क्या है ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। आप खुद देखिए कि दोनों में कितना फर्क है। तो ये तो अभी आपको सीड ग्रो का भी रिजल्ट दिख रहा है, नॉकआउट का भी दिख रहा है और डिस्टेंस हाइल का भी। इसमें कैसा पहले, जैसे पहले ये चिन्नौर जो लगी है उस हिसाब से इसमें लॉजिंग ज्यादा रहना था, लेकिन अच्छा। सीड गुरु के वजह से इसमें लॉजिंग कम है, तो हमको पूर्ण संभावना है कि गिरेगी कम। गिरेगी कम, अच्छा। मतलब ये पहला लगा है तो इन्हें पहले लॉजिंग हो जाना चाहिए था। हाँ, अभी हाँ, तक हो जाना था। और इस साल तो बारिश ज्यादा है तो और लॉजिंग ज्यादा होना था। हाँ, ये एक बड़ी बात है कि बारिश बहुत अपनी आ रही है, बारिश बहुत आ रही है के वजह से तो लॉजिंग तब तक के हो जाना था, है ना। तो कम भी होता है तो आपको क्या लगता है? नहीं, कम होने में इसमें फायदा है कि वो गिरती नहीं, तो उससे बाली सही भर जाती है। अच्छा, बाली सर से सही से भरेंगी। और वो गिर गई तो बाली बाली नहीं भरेंगी। तो अगर बाली सही से अगर भर गई तो उत्पादन में तो बढ़ोतरी होगी, है ना। हाँ ठीक है।